हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ड्रीमर्स पर। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, उस चैनल को फॉलो करने के लिए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जो करंट अफेयर का सेक्शन होता है दोस्तों, हर एक एग्जाम्स में आता है, चाहे वो लो से लो लेवल का एग्जाम हो गवर्नमेंट का, चाहे वो हाई लेवल का हो। तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, और दोस्तों इस चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी। लेकिन जो ये वीडियो है, इसमें हम दिसंबर के 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को चुने हुए 200 पर क्वेश्चन जो है दिसंबर के इम्पोर्टेंट, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। इनमें से दोस्तों हर एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसमें से क्वेश्चन से इस वीडियो से मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, जो कि ये आने वाले एग्जाम्स है, और दोस्तों जैसे कि फरवरी मार्च में आने वाले एग्जाम्स है, तो उससे 3-4 महीने के जो पिछले मंथ जाते हैं, और उनकी करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में 200 चुने हुए प्रश्न को डिस्कस करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, हमारे चैनल पर ड्रीमर्स पर ट्रिक से हमने बहुत सारी जीके की वीडियो को बताया है। आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को ट्रिक की, और सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, जो हम इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे, और जो उसका आंसर होगा दोस्तों, वो डार्क ब्लैक कलर में आपको उसका जो सही आंसर होगा वो दिख जाएगा दोस्तों। इसमें भी बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको जब भी वीडियो आने वाले फ्यूचर में आपको उसका रेगुलर पता लगता रहे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं दोस्तों। किस राज्य ने महाराजगंज जिले के समीप राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? किस राज्य ने दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य ने। और दोस्तों, हम जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे, यानी कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो आप अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आता तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने फिस्कल ईयर 2020 यानी कि 19-20 के लिए भारत की GDP की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित की है दोस्तों? 5.6%। चलिए क्वेश्चन, और दोस्तों बीच बीच में इसमें कुछ स्टेटिक क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है खेल में वही कराऊंगा, आपकी नॉलेज के लिए आप भी पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ट्रेड बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII द्वारा क्वालिटी रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किसको? सुरेश कृष्ण को। वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा किसको? झिल्ली दल बेहरा को। चलते अगले क्वेश्चन पर। एटालिन जल विद्युत परियोजना जो हाल ही में खबरों में थी, निम्नलिखित में से किस राज्य की परियोजना है दोस्तों? किस राज्य की? अरुणाचल प्रदेश की। और दोस्तों, जो ये रेड वर्ड में जो आपको ये वर्ड दिख रही है, ये इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वर्ड रेड कलर में दिख रही है, तो इनको जरूर देख लीजिए, यानी कि जब आप क्वेश्चन पढ़े तो जो रेड कलर में जो वर्ड है इनको ध्यान से जब पढ़े। कौन सा राज्य 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन दोस्तों? उड़ीसा। माकृत कस्य स्वधिधानम स्विधानम निम्नलिखित में से किस संस्था का आदर्श वाक्य है दोस्तों? किसका? लोकपाल का। 7वें संविधान दिवस के अवसर पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस पोर्टल का लॉन्च किया है? किस पोर्टल को लॉन्च किया दोस्तों? कर्तव्य को। किसे रॉयल एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ यूके ने मानद फेलोशिप से सम्मानित किया है? किसको? जी सतीश रेड्डी को। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि शहरी का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? क्लैप CLAP। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस द रिजर्व फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप अरेंजमेंट फॉर विच कंट्री 2019 to 2022। किस कंट्री? फॉर विच कंट्री? सार्क कंट्रीज के लिए। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे नौसेना स्टाफ के कितने वे चीफ थे दोस्तों? कितने वे? ऑप्शन नंबर डी 16वें। किस शहर की पुलिस ने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुतलों को ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहनाकर सड़कों पर तैनात किया है? किस शहर की दोस्तों? बेंगलुरु हुई। किस देश के किंग कार्ल 16 गुस्ताफ और रानी सिलिविया 1 दिसंबर को भारत की यात्रा पर आए गए? तो दोस्तों, ये किस देश के रानी और किंग है? स्वीडन के। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभ्यास MINX मिनिक्स 2019 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? भारत और जापान के बीच। नवीनतम CRY रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य बच्चों
के खिलाफ समग्र अपराधों में सबसे ऊपर रहा। कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने जनता को अपराधों के प्रति सचेत करने के लिए प्रोजेक्ट शक्ति शुरू करने का निर्णय लिया है? किसने दोस्तों? मध्य प्रदेश ने। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने किस देश को 4 साल के लिए सभी खेलों से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव किया है दोस्तों? किस देश के? रूस को। क्वेश्चन आगे चलते दोस्तों। बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ विलय किया जाएगा? इसका दोस्तों ऑप्शन है ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, और जिसका सही आंसर है वो है ए और बी। काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक और पूर्वांचल बैंक का आपस में विलय हो जाएगा दोस्तों। इन दोनों का किसके साथ? बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ। उद्धव पाल ठाकरे ने महाराष्ट्र के कितने बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? 19वें। भारत ने श्रीलंका में विकास परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन की घोषणा की है? 400 मिलियन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों बीच बीच में स्टैटिक जीके डाली हुई है, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। लैंडस्लाइड्स रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय खेल संहिता 2017 के विवादास्पद मसौदे की समीक्षा के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में एक गठित की है? मुकुंदकम शर्मा के अध्यक्षता में दोस्तों। दोस्तों ये 50वें इंटरनेशनल इंडियन बेस्ट फेस्टिवल के जो बेस्ट डायरेक्टर है, बेस्ट एक्टर है फीमेल, इनके दिए हुए, आप इनको चेक कर सकते हैं दोस्तों। चलते अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। केंद्र सरकार किस राज्य में कुलसेकर पट्टिनम के पास एक नया रॉकेट लॉन्च पैड स्थापित किए करने की योजना बना रहा है दोस्तों? किस राज्य में? तमिलनाडु में। सरकार ने किस राज्य में लोकटक अंतरदेशीय जलमार्ग परियोजना के विकास को मंजूरी दी है? किस राज्य में दोस्तों? मणिपुर में। और दोस्तों जो मणिपुर में एक बहुत ही प्रसिद्ध लेक भी है जिसका नाम है लोकटक जेक लेक, इसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसे भी ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा राजनयिक पोस्ट किस देश की है दोस्तों? किस देश की? चीन की। इसरो ने अंतरिक्ष ग्रेड ली ऑयन LILON सेल्स के उत्पादन की अपनी स्वदेशी तकनीक किस कंपनी को स्थापित करती है दोस्तों? भेल को। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पे इसरो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी के दी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया दोस्तों? किसको? अक्कीतम को। दो IIT और नेशनल काउंसिलिंग ऑफ साइंस म्यूजियम ने किस पीडिया को विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है कि दोस्तों? किसके साथ? क्या किस पीडिया को विकसित करने के लिए दोस्तों? गांधी पीडिया को। किस किस ने? दो IIT और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने। आगे चलते हैं। माइक्रो क्रेडिट में कोड फॉर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग की स्टीयरिंग कमिटी के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया दोस्तों? किसको? HR खान को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 7,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज का नाम बताइए, स्टीव स्मिथ। 21वें दक्षिण एशियाई चैंपियनशिप की महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? किसने दोस्तों? दीपिका कुमारी ने। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 14 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया होगा? किस बीच में आ जाता है दोस्तों? नेपाल और भारत के बीच में सूर्य किरण 14 का आयोजित किया गया। सरकार ने किस तारीख से सोने की आभूषण और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी है? कब से दोस्तों? कब तक? 15 जनवरी 2021 तक। रिजुविनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चर रेसिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट किस राज्य की परियोजना है दोस्तों? किसकी? आंध्र प्रदेश की। सोमा राय बर्मन जिन्होंने नए महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA के रूप में कार्यभार संभाला है, वह इस पद को संभालने वाली कितनी भी महिला बन गई है दोस्तों? कितनी? 7वीं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने 1 दिसंबर 2019 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया दोस्तों? 55वां। इनको भी आप जरूर चेक कर ले दोस्तों, ये मैंने पॉइंट में जो स्टैटिक जीके दी है इनको भी आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। किस राज्य ने 1 दिसंबर 2019 को अपना 57वां राज्य दिवस मनाया? किस राज्य ने दोस्तों? नागालैंड ने। कौन सा देश दक्षिण एशियाई खेलों के 13 संस्करण की मेजबानी कर रहा है? कौन कर रहा है दोस्तों? नेपाल। और दोस्तों जो इसका मस्कोट था दोस्तों वो था हमारा
ब्लैक बक होल्डिंग द सेग टॉर्च, आपको नीचे दिख जाएगा ये जो भागता हुआ दिख रहा है, और दोस्तों इसमें भारत सबसे ऊपर रहा जिसने 174 गोल्ड जीती है, आप इसको जरूर चेक कर लें। चलते दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों जो ये इवेंट्स है अपकमिंग ईयर 2020 में, 2021, 22, 23, 24, 25, 28 तक ये सारे दिए हुए हैं, आप इनको भी जरूर देख लें। जैसे कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 कहाँ पे होगा दोस्तों, न्यूजीलैंड में, आप इनको भी देख लीजिए जरूर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT की समाधान प्रक्रिया में जाने वाली पहली वित्तीय सेवा कंपनी कौन सी बन गई है दोस्तों, कौन है? दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडिया करप्शन सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य रिश्वतखोरी के मामले सबसे ऊपर रहा, कौन रहा दोस्तों? राजस्थान। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे ग्रेटर नोएडा में जेवर हवाई अड्डे के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, किसको दोस्तों? ज्यूरिख एयरपोर्ट को। 2019 सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन इस चैंपियनशिप में पुरुषों के एकल वर्ग का खिताब किसने जीता, किसने? वोंग जू वेई ने। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष 2.0 के तहत कितनी बीमारियों के लिए टीका लगाया जाएगा दोस्तों, कितनी बीमारियों के लिए? 8 बीमारियों के लिए, और दोस्तों जो ये 8 बीमारी है आपको नीचे लिखी हुई मिल जाएगी, डिप्थीरिया, वोपिंग कप, टिटेनस, पोलीमेथलिस, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, ये आपको दी हुई है। निम्नलिखित में से किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट जीती है दोस्तों, किसने? कर्नाटक ने। आयुध निर्माणी बोर्ड OFP के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हरी मोहन को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया? गुवाहाटी में। गुवाहाटी में भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ECI ने जननायक जनता पार्टी JJP को किस राज्य की राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी है, किस राज्य में दोस्तों? हरियाणा में। युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति 2019 के सातवें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया दोस्तों? पुणे में। एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशिया विकास बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मसात्सुगु असाकावा को। किस फुटबॉल खिलाड़ी को बैलोन डी ओर अवार्ड यानी 2019 बैलोन डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसको दोस्तों? लियोन मैसी को। आठवां भारत चीन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 किस राज्य में शुरू किया गया दोस्तों? मेघालय में। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है दोस्तों? उर्सुला वार्न वान डेर लेयेन ने। साइबेरिया पाइपलाइन परियोजना रूस और किस देश की एक परियोजना है दोस्तों? चीन और रूस की। मध्य प्रदेश सरकार ने किन उत्पादकों के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया है, जिसका सही आंसर दोस्तों वो है A&B यानी कि मुरैना की गजक और इंदौर का पोहा। पृथ्वीराज सिंह रूपन को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया दोस्तों? मॉरिशस का। Dictionary.com ने किस शब्द को अवार्ड ऑफ द ईयर चुना गया दोस्तों? अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंशियल। किस राज्य ने मधु नामक एक ई लर्निंग मोबाइल ऐप लॉन्च की है? उड़ीसा ने। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आपको रिवाइज भी हो जाए दोस्तों, दिसंबर में जो भी आपने करंट अफेयर की जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं आपको सारी रिवाइज हो जाएंगे। आप इस वीडियो को जरूर देख लें, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड के पहले जीवित व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सम्मान में एक सिक्का जारी किया गया है दोस्तों? रोजर फेडरर। एशियाई विकास बैंक ADB किस राज्य के 5 शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज की बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 206 मिलियन का ऋण देगा दोस्तों? किस राज्य को? तमिलनाडु को। भारतीय पोषण गान किसने गाया है, गाए हैं, किसने दोस्तों? शंकर महादेवन ने। अल्फाबेट इंक के मुख्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? सुंदर पिचाई को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 4 दिसंबर को। कौन सा देश 140 मिलियन डॉलर में दक्षिण पश्चिम तट से लगभग 300 किलोमीटर दूर निर्जन मार्गशीर्ष द्वीप खरीदने के लिए सहमत हुआ है दोस्तों? कौन? जापान। चेन्नई के उस इंजीनियर का नाम बताइए जिसने दुर्घटनाग्रस्त हुए चंद्रयान विक्रम लैंडर को खोज निकाला, किसने? शनमुगा सुब्रमण्यम ने। कौन सी अभिनेत्री मिताली राज की बायो पिक में उनकी भूमिका निभाएगी, कौन? तापसी पन्नू। आगे चलते दोस्तों, किस देश में अंजलि चंद ने
अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट महिला और पुरुष में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ों का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया दोस्तों नेपाल ने, नेपाल की ये अंजलि चंद है दोस्तों। भारत किस देश को उपहार में मेड इन इंडिया पेट्रोल वेशल कामयाब भेंट स्वरूप देगा दोस्तों, किस देश को? मालदीव को दोस्तों। कुछ ये भारत में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है, आप इनको देख सकते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? कहाँ पे दोस्तों? लोथल, जो कि गुजरात में है दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है म्यूजियम से रिलेटेड, आप इनको भी चेक कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा दोस्तों? 73वां। और दोस्तों यहाँ पे भारत के कुछ इंडेक्स दिए हुए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं, इंपोर्टेंट इंडेक्स है दोस्तों सारे, आप जरूर चेक कर लें इनको। आरबीआई ने अपनी 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमान लगाई दोस्तों? 5%। यहाँ पे दोस्तों लिखे हुए हैं कि आरबीआई की ब्याज दर रेपो रेट लिखा हुआ है, रिवर्स रेपो रेट CRR, यह जो भी लेटेस्ट में है हमारे देश का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा बन गया दोस्तों, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फिसाई ने प्रमाणित किया है दोस्तों? कौन सा स्टेशन दोस्तों? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। पेटा यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? जोकिन फिनिक्स को। किसे हाल ही में नामीबिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? हेज गिंगोब को। मेक्सिको अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे सम्मिलित होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है दोस्तों? भारत। भारत ने किस देश से मीटियोर हवा से हवाई मार करने वाली मिसाइलों के शीघ्र वितरण का अनुरोध किया है दोस्तों? फ्रांस से। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, कुछ महत्वपूर्ण दिवस दिए हुए दोस्तों, 2000 दिसंबर 2019 के कुछ महत्वपूर्ण दिवस दिए हुए, आप इनको भी चेक कर लो दोस्तों। संयुक्त त्रि सेवा अभ्यास इंद्र 2019 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? भारत और रूस के बीच। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 के अनुसार 2018 में भारत सबसे अधिक जलवायु प्रभावित देश था, 5वां। 2019 उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम ने। अवंती मेगा फूड पार्क का मध्य प्रदेश के किस शहर में उद्घाटन किया गया दोस्तों? देवास में। निम्नलिखित में से किस भाषा को 6 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पहली बार बोला गया? संथाली को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा। दी वॉल्ट ऑफ विष्णु, द वॉल्ट ऑफ विष्णु पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? अश्विनी सांघी। दोस्तों जो क्वेश्चन बुक्स है दोस्तों उनसे जो यानी कि आपको बुक का नाम दे देगा उससे पूछ लेगा कि इसके लेखक कौन है, ऐसे क्वेश्चन भी जरूर आते हैं। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? गिरीशचंद चतुर्वेदी को। CBSE स्कूलों में 8, 9 एंड 10th की परीक्षाओं के लिए कौन सा नया विषय शामिल किया गया दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सराय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ दोस्तों यहाँ पे स्कीम्स दी हुई है, आप उनको भी पढ़ लें। दिव्यांग जन पुनर्वास के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मान प्रदान किया गया दोस्तों? किस राज्य को? उत्तर प्रदेश को। भारत में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट शुरू किया गया? नेवले को यानी कि मंगूज। उड़ीसा इन न्यूज दोस्तों, उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको भी आप देख लें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों को कभी कभी भी ऑन टैप लाइसेंस के आवेदन की मंजूरी दे दी है। लघु वित्त बैंकों को खोलने के लिए न्यूनतम आवश्यक पूंजी की सीमा कितनी है? 200 करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से किस सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन और शिक्षकों पर एक पुस्तक लॉन्च की है? किस सरकार ने दोस्तों? दिल्ली सरकार ने। भारत ने रक्षा संबंधी खरीद के लिए किस देश को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है? बांग्लादेश को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने राष्ट्रीय
इलेक्ट्रॉनिक कोष हस्तांतरण प्रणाली NEFT के जरिए 24 घंटे लेन देन की सुविधा 16 दिसंबर से शुरू करने का ऐलान किया है दोस्तों। सही आंसर क्या, 16 दिसंबर से। फ्री वाईफाई की सुविधा पाने वाला 55वां रेलवे स्टेशन कौन सा दोस्तों, महू आमिल आमिलन। भारत के पहले पशु किसान क्रेडिट कार्ड को किस राज्य के 101 पशु किसानों को वितरित किया गया दोस्तों, हरियाणा राज्य के। किस राज्य सरकार ने नोगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रख दिया है, उत्तर प्रदेश ने। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता दोस्तों, जोजी बीनी टुंजी ने। दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो कर्नाटक से रिलेटेड, आप इनको भी देख ले। भारत और किस देश के बीच कोस्टल शिपिंग समझौते के तहत मोंगला और चट्टोग्राम को पोर्ट ऑफ कॉल घोषित किया गया है दोस्तों, भारत और किस देश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच में। इसरो ने किस संस्थान में एक नया अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उष्मान उष्मायन केंद्र स्थापित किया दोस्तों, NIT तिरुचिरापल्ली में। दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री और फिनलैंड की तीसरी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है दोस्तों, सना मरीन। इसरो देश के किस नवीनतम जासूसी उपग्रह को 11 दिसंबर को लॉन्च करेगा दोस्तों, उसका नाम क्या है, RISAT-2B-R1। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया दोस्तों, 9वां। निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ ISSF द्वारा गोल्डन टारगेट अवार्ड सम्मानित किया गया दोस्तों, उपरोक्त सभी, इन सभी को दोस्तों। दिव्यांश सिंह पवार को, सौरभ चौधरी को, एला वेनिल वलारिवान को। 2019 में 2019 मानव विकास सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया दोस्तों, 129वां। भारतीय वायुसेना ने कितने आद्याक्ष के साथ 30 राफेल जेट में टेल नंबर लगाने का निर्णय किया दोस्तों, BS आद्याक्ष के साथ। किस राज्य ने मेधावी छात्रों को बीजू सशक्तिकरण योजना के तहत लैपटॉप वितरण किया दोस्तों, उड़ीसा राज्य ने। निम्नलिखित किस किस स्थान पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए दराज ब्रिज का उद्घाटन किया गया दोस्तों, किस स्थान पर, राजौरी में। नाडा यानी कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधक एजेंसी का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया दोस्तों, सुनील छेत्री को। हाल ही में किस देश में व्हाइट आइलैंड ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, न्यूजीलैंड में। जो व्हाइट आइलैंड ज्वालामुखी कहाँ पड़ते हैं, न्यूजीलैंड में। 54वां पुलिस महानिदेशकों पुलिस महानिरीक्षकों सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था, पुणे में। लूसीफा 3 किस देश का उपग्रह दोस्तों, इसराइल का। ट्राइफेड के लिए मुख्य डिजाइन सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ऋतु बेरी को। सी सुगंध राजा राम को किस देश के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में चुना गया, घाना के लिए दोस्तों, जो घाना कंट्री है उस देश के लिए, जो सी सुगंध राजा राम है उनके वहां पे उच्चायुक्त के रूप में चुना गया है, घाना में दोस्तों। ये हमारे इंडिया एम्बेसडर यानी कि किस कंट्री में हमारे न्यू इंडिया एम्बेसडर दोस्तों, जैसे कि नेपाल में हमारा मंजीव सिंह पुरी है, US में हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला है, ऐसा भी इनको देख सकते हैं। बायो एशिया 2020 के 17वें संस्करण के लिए किस देश को भागीदार देश बनाया गया दोस्तों, स्विट्जरलैंड को। क्लाइमेट न्यूरल नाउ श्रेणी में किस कंपनी को यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों, किस कंपनी को, इंफोसिस को। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में MI क्रेडिट नामक अपनी ऋण सेवा शुरू की है दोस्तों, जियोमी, जियोमी कंपनी ने। पेप्सी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया दोस्तों, सलमान खान को। प्यूमा ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों, सुनील छेत्री को, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छे फुटबॉल प्लेयर दोस्तों इंडिया के। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कितने स्मारकों को मस्ट सी अवश्य देखो स्मारकों के रूप में चिन्हित किया दोस्तों, 138 स्मारकों को। दुनिया के पहले पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल विमान ने किस देश में पहली उड़ान भरी, कनाडा में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पाइका विरोधी विरोध स्मारक की आधारशिला किस राज्य में रखी, उड़ीसा में। किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया दोस्तों, ग्रेटा थनबर्ग को। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 2019
विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इनमें चेक कर लें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जलवायु परिवर्तन पर आयोजित शिखर सम्मेलन COP25 में शामिल होने वाले कितने देशों ने जलवायु परिवर्तन गठबंधन CAA में शामिल की मंजूरी की दोस्तों? कितने तो से देशों ने? 73 कंट्रीज ने। किस राज्य सरकार ने दिशा बिल 2019 को स्वीकृति दी है? आंध्र प्रदेश ने। फिक्की इंडिया खेल पुरस्कार 2019 के स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रानी रामलाल को। फिक्की इंडिया खेल पुरस्कार 2019 के लिए स्पोर्ट्स ऑफ द पर्सन पुरस्कार किसे किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये दोस्तों थोड़ा मिस हो गया है, इसमें कोई नहीं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने में ला लेगा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? रोहित शर्मा को। 27 से 29 दिसंबर तक किस शहर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? किस शहर में दोस्तों? रायपुर में। किस राज्य के जगह मिशन को अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड हैबिटेट सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों? उड़ीसा राज्य को। किस महिला टेनिस खिलाड़ी को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया दोस्तों? एसले बाल्टी को। मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने किस विश्वविद्यालय में वर्चुअल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया दोस्तों? आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में ऑडिबल सुनो ऐप का शुभारंभ किया दोस्तों? अमेजन ने। ब्रिटेन में आयोजित चुनावों में बोरिस जॉनसन ने बहुमत हासिल किया, वे किस पार्टी के दोस्तों? कंजर्वेटिव पार्टी के। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में इनर लाइन परमिट लागू करने के आदेश पर हस्ताक्षर किया दोस्तों? मणिपुर में। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी रोवर मार्स 2020 लॉन्च करेगी? नासा एजेंसी, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आपके सभी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है दिसंबर के, आपके रिवाइज हो जाएंगे दोस्तों। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2020 के सातवें संस्करण के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक रोजगार योग्य प्रतिभा है दोस्तों? किस राज्य में? उस महाराष्ट्र में। नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया दोस्तों? बाला साहेब ठाकरे के नाम पर, ठाकरे के नाम पर। कौन सा देश अगले वर्ष मार्च में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी करेगा? भारत। किस राज्य ने हाल ही में विजयमृतम और सहचरी नामक दो सामाजिक कल्याण योजनाएं शुरू की है दोस्तों? किस राज्य ने? केरल ने। किस राज्य के पुलिस विभाग ने एक अनोखा बोर कोडिंग सॉफ्टवेयर ट्रेकिया अपनाया है दोस्तों? किस राज्य ने? हरियाणा ने। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन सुलभ भारत अभियान की नई सीमा क्या कर दी गई है दोस्तों? नई समय सीमा मार्च 2020। अशोक लीलैंड लिमिटेड के मुख्य अधिकारी कार्यकारी अधिकारी यानी CEO और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे चुना गया दोस्तों? विपिन सोंधी को। कौन सा शहर सैन्य साहित्य महोत्सव 2019 की मेजबानी करेगा? चंडीगढ़। दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट दिवस दिए हुए 2019 के, आप इनको जरूर देखें। कुछ थीम भी दिए हुए दोस्तों, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया, और दोस्तों जो इसकी थीम थी वो थी वी टुगेदर। आशा दोस्तों कुछ श्रद्धांजलि भी यहाँ पे दी हुई है, यानी कि जो जिनका निधन हो गया 2000 दिसंबर 2019 में, आप उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं दोस्तों। अब्देल मजीद तैबोने ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है दोस्तों? अल्जीरिया के। रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट दोस्तों, जो तो हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने हैं किसी कंट्री के, वो आप यहाँ से देख सकते हो। और दोस्तों जो रिसेंटली इलेक्टेड PM है, प्राइम मिनिस्टर, वो भी आप देख सकते हो यहाँ से। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के लिए ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज करने वाला पहला देश देश का पहला शहर कौन बन गया दोस्तों? चेन्नई। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के लिए किस अभिनेत्री को 26वें एनुअल क्रिस्टल अवार्ड से नवाजा गया? दीपिका पादुकोण को। विश्व डिजाइन संगठन WDO अपने नए वैश्विक कार्यक्रम वर्ल्ड डिजाइन प्रोटोपोलिश का शुभारंभ किस शहर में करेगा? बेंगलुरु में। माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम चैंपियंस लाइक किसकी याद में है दोस्तों? विश्वनाथन आनंद की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस शहर में
राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की कानपुर में। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के किस बल ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए एक वैवाहिक साइट लॉन्च किया दोस्तों? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन। यहाँ से सीआई सबसे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर यानी कि निशान प्राप्त करने वाला देश का सातवां राज्य कौन सा बन गया दोस्तों? गुजरात। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सतत विकास प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय किया है दोस्तों? किस मंत्रालय ने? कोयला मंत्रालय ने। आगे चलते हैं। किस बैंक ने भारत में ऊर्जा कुशल आवास कार्यक्रम की स्थापना के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ 277 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक ने। चीन में BWF विश्व टूर फाइनल्स में भारत एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है दोस्तों? केंतो मोमोता ने। टेस्ट और वनडे डेब्यू पर शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज का नाम बताइए? आदिब अली। किसने स्टीव बकनर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड बनाया दोस्तों? अलीम दार ने। शुक्र ग्रह बेनु पर नमूना संग्रह के लिए नासा ने किस साइट का चयन किया दोस्तों? नाइटिंगेल का। अगला क्वेश्चन पाते दोस्तों। लेखक अमिताभ बागची को दक्षिण एशियाई साहित्य के 2019 के DSP/DSC पुरस्कार से नवाजा गया है, उन्हें उनके किस उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों? हाफ द नाइट इज गॉन। इसके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ऐसे नालको का चेयरमैन सेक्स प्रबंधन निदेशक MD किसे चुना गया दोस्तों? श्रीधर पात्रा को। दोस्तों जो स्टैटिक क्वेश्चन है बीच बीच में, आप इनको भी आप चेक कर सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद है दोस्तों। ये भी सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम्स के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया दोस्तों? 112वां। 7 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? खजुराहो में। हाल ही में राज्य स्तरीय ऑरेंज फेस्टिवल का उद्घाटन किस शहर में किया गया दोस्तों? किस राज्य में किया गया? मणिपुर में। संयुक्त विश्व कुश्ती UWW द्वारा वर्ष 2019 के लिए जूनियर फ्री स्टाइल पहलवान के लिए किसे नामित किया गया दोस्तों? दीपक पुनिया को। किस देश ने हाल ही में एक रोबोट सुरेना विकसित किया है जो 100 भाषाओं को बोल सकता है और अनुवाद कर सकता है दोस्तों? किस देश ने? ईरान ने। पहला वैश्विक शरणार्थी मंच GRF किस देश में आयोजित किया गया था दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। किस देश की महिला क्रिकेटर लोरा अलेक्जेंड्रा मार्श ने संन्यास की घोषणा की है दोस्तों? इंग्लैंड। किस देश की? इंग्लैंड की। क्रिकेट इन न्यूज आप इनको चेक कर सकते हैं। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के अंतर्गत सरकार ने किस वर्ष तक सभी गांव को ब्रॉडबैंड पहुंचाने का लक्ष्य रखा है दोस्तों? 2022 तक, यानी कि हर गांव में ब्रॉडबैंड पहुंच जाएगा, वहां पे भी हम वाईफाई लगवा सकते हैं दोस्तों। 2022 तक ये जो ये टारगेट है 2022 तक खत्म करने की निर्णय लिया गया है। किस पंचायत ने देश में 2019 ग्राम पंचायतों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया दोस्तों? मोलूगा मोमबंदी ने। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। MSME के मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर की उग्रवाद प्रभावित महिलाओं द्वारा उत्पादित किस उत्पाद को लॉन्च किया है? खादी रुमाल को। सरकारी ई कॉमर्स पोर्टल पर जैम ने किस राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम को शुरू किया है जिसके तहत अधिक से अधिक स्थानीय विक्रेताओं को शामिल किया जाएगा दोस्तों? जैम संवाद में। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किस भारतीय महिला वैज्ञानिक के नाम पर एक सफेद पीले तारे का नाम रखा है दोस्तों? भीबा चौधरी के नाम पर, जो कि एक भारतीय महिला वैज्ञानिक है दोस्तों। केंद्र सरकार के किस फ्लैगशिप स्कीम को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों? अमरुत को, AMRUT को। विश्व अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 18 दिसंबर को। फ्रेंच जो अरबी फ्रेंच दिवस है वो फ्रेंच भाषा दिवस है वो मनाया जाता है 20 मार्च को। चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल को। आप इसको चेक कर सकती हैं। इंडिया साइबर कॉफ ऑफ द ईयर 2019 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? BP राजू को।
राज्य में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने जल साथी नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? उड़ीसा ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य शहर में भारत वंदना पार्क की आधारशिला रखी है? दोस्तों नई दिल्ली में। किस राज्य ने कृषि नीति 2020 समृद्धि के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? उड़ीसा राज्य ने। दोस्तों अब्राहम कोसी समिति का गठन किस संगठन द्वारा किया गया था? दोस्तों सेबी संगठन द्वारा। शशि थरूर को उनकी किस किताब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से नवाजा गया? दोस्तों एन एरा ऑफ डार्कनेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस पुस्तक के ब्रेल संस्करण का लोकार्पण किया गया? दोस्तों एग्जाम वॉरियर्स। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में इनर लाइन परमिट लागू करने के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया? किस राज्य ने? दोस्तों मेघालय ने, मेघालय की विधानसभा ने। अपहरण नामक एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज किस शहर की बंदरगाह पर आयोजित की गई थी? दोस्तों कोची बंदरगाह पर। आगे चलते दोस्तों, ये कुछ स्टेटिक क्वेश्चन आप देख सकते हैं इनको। नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF का अगला निदेशक किसे चुना गया? दोस्तों सेथुरमन पंचनाथन को। एलोकेशन किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है? दोस्तों पुर्तगाल ने। आगे चलते दोस्तों, राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान NRTI ने नेक्स्ट जनरेशन परिवहन प्रणालियों के लिए अपना पहला उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन करने की घोषणा की है, बरिंघम विश्वविद्यालय के साथ। भारत में वर्ष 2019 सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किए जाने वाले व्यक्ति कौन है? दोस्तों अभिनंदन वर्तमान। 150 रन की मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर का नाम बताएं? दोस्तों वसीम जाफर। किस देश ने पहला अपना दूसरा एयरक्राफ्ट करियर शानडोंग का जलावरण किया? दोस्तों किसने? चीन ने। भारत के डिजिटल राज्य रिपोर्ट 2019 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? छत्तीसगढ़। किस राज्य ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक ई कॉप ऐप लॉन्च की है? किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश ने। किस कंपनी ने मैड्रिड स्थित क्लाउड गेमिंग स्टार्टअप प्ले गीगा का अधिग्रहण किया? दोस्तों फेसबुक ने। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों किसको? देवेश श्रीवास्तव को। दोस्तों इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, प्लीज चैनल को जरूर फॉलो कर ले। आपसे मिलती है, क्योंकि जो भी एग्जाम्स आने वाले 2020 में, उसके रहते रहते आपको जो जितना भी आपके पास टाइम है, ड्रीमर्स आपके लिए अच्छे से अच्छा क्वेश्चन, हर करंट अफेयर का हो चाहे वो स्टैटिक जीके का हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। अमेरिका के इतिहास में महाभियोग का सपना सामना करने वाले डोनाल्ड ट्रंप तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। महाभियोग का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों एंड्रयू जॉनसन। एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने किस राज्य की सड़कों के उन्नयन के लिए 490 मिलियन के ऋण की समझौते पर हस्ताक्षर किया? दोस्तों मध्य प्रदेश की सड़कों के लिए। किस देश के ETRS नामक सैटेलाइट का परीक्षण चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के किया गया? दोस्तों इथोपिया। जो ये नामक ये सैटेलाइट है वो किस देश की है? इथोपिया। उसको कहां से लॉन्च किया गया? दोस्तों चीन के अंतरिक्ष स्टेशन से। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अगले कितने वर्षों में 100 से अधिक हुनर हाट आयोजित करेगा? 5 वर्षों में 100 से अधिक। कंबाला खेल जिस पर एक संग्रहालय बनाने की योजना की है, वह किस राज्य का खेल है? दोस्तों कर्नाटक। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी कि ITF महिला विश्व चैंपियनशिप 2019 किसे चुना गया? दोस्तों किसको? एस्ले बार्टी को। महात्मा फुले सेतकारी कर्जा मुक्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई? दोस्तों महाराष्ट्र में। कितने पश्चिम अफ्रीकी देशों ने आम मुद्रा का नाम बदलकर इको रखा? दोस्तों कितने देशों ने? अफ्रीकी 8 अफ्रीकी देशों ने आम मुद्रा का नाम बदलकर दोस्तों इको रखा है। सैटेलाइट CBERS-4A संयुक्त रूप से चीन और किस देश द्वारा विकसित की गई? ब्राजील और चीन के द्वारा। हाल ही में किस देश द्वारा अंतर अनुशासनात्मक नेतृत्व को बढ़ाने के लिए इको नेटवर्क लॉन्च किया गया? दोस्तों भारत भारत के द्वारा दोस्तों ये जो नेटवर्क है ये लॉन्च किया, इको नेटवर्क।
उच्चतम न्यायालय ने देश भर में बलात्कार के मामलों को त्वरित निपटाने के लिए किन दो न्यायाधीशों की निगरानी में एक समिति का गठन किया दोस्तों? किन दो न्यायाधीशों के रूप में, जिसका सही आंसर हुआ ए एंड बी, यानी कि जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह के अध्यक्षता में। रुचि सोया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? आचार्य बालकृष्ण को। क्रिकेट फॉर गुड आईसीसी का किस संस्था के साथ एक समझौता कार्यक्रम है दोस्तों? यूनिसेफ के साथ। भारतीय रेल ने किस रेल स्टेशन पर पहली बार मेघदूत एटमोस्फोरिक वाटर जनरेटर लगाया दोस्तों? कहां पे? सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों कुछ स्टेटिक्स दिए हुए हैं, बीच में आप इनको चेक कर सकते हैं। ये इंपोर्टेंट बुक्स है दोस्तों 2019 में, जो भी इंपोर्टेंट बुक्स है इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। आर एन के ओ जेंटलमैन स्पाई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? नितिन गोखले। निम्नलिखित में से किसको वित्तीय मदद करने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश राज्य ने YSR नेतृत्व नेस्तम योजना शुरू की गई है दोस्तों? बुनकरों के लिए, बुनकरों को वित्तीय मदद देने के लिए। ये दोस्तों कुछ आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि स्टेटिक क्वेश्चन है दोस्तों, तो इनको भी आप जरूर पढ़ ले बीच बीच से। किस फुटबॉल क्लब ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता दोस्तों? किसने? लिवरपूल ने। ऑर्गेनाइजेशन फॉर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस ऑक्टोपस किस राज्य का सुरक्षा बल है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का। लुथियाना टाइगर सफारी को कौन सा राज्य रॉयल बंगाल टाइगर एक जोड़ा देगा दोस्तों? किस कौन सा राज्य देगा दोस्तों? छत्तीसगढ़। कश्मीर में कठोर सर्दियों की डैस कितने दिनों की अवधि तक चलने वाला चिल्लई कलाम की शुरुआत की गई दोस्तों? 40 दिन तक। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि वहां पे एक सबसे बड़ी टनल है चेनानी नेसारी टनल दोस्तों, जिसको जिसका नाम बदलकर श्यामा प्रकाश मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया उस टनल का नाम। दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस वहां पे चली है दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश की आर्म पुलिस स्कूल की छात्राओं के लिए एक छात्रावास स्थापित किया दोस्तों? नेपाल ने। भारत ने राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया दोस्तों? 23 दिसंबर को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर किस नाम से एक नई अमेरिकी सैन्य सेवा शुरू किया दोस्तों? स्पेस फोर्स के नाम से। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला का नाम बताइए? डॉक्टर मोनिसा घोष। किस राज्य के नंथौर अभयारण्य में टाइगर सेल स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड में। टाइगर से रिलेटेड दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट स्टडी जीके है, आप इनको भी चेक कर सकते हो। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, भारत के अगले विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? हर्षवर्धन श्रृंगला को। निम्नलिखित में से किसे लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? हसन दियाब को। नॉर्ड स्ट्रीम 2 किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन का परियोजना है दोस्तों? जर्मनी और रूस के बीच में। किस कंपनी ने अपने मानव आकार के THR3 रोबोट के उन्नत संस्करण का अनावरण किया दोस्तों? टोयोटा मोटर कार्ड्स ने, जो कि कंपनी है। निम्नलिखित में से किसे फिक्काई का अध्यक्ष के रूप में चुना गया दोस्तों? संगीता रेड्डी को। ये कुछ इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है दोस्तों, इनको भी आप जरूर देख लेंगे जो 2019 में हुए। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने पहले जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया दोस्तों? राजस्थान ने। सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्याप के लिए अटल भूजल योजना की शुरुआत की है। हेमंत सोरेन झारखंड के कौन से मुख्यमंत्री बने? 11वें। भारत ने बायो एनर्जी सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए दोस्तों? ब्राजील के साथ। किस राज्य में स्थित रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल टनल कर दिया गया दोस्तों? किस राज्य में है ये? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि श्रीखंड महादेव यात्रा कहाँ पे होती है? हिमाचल प्रदेश में, ऐसे आप देख सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को।
हाल ही में किसे सर्वत्र कवच को विकसित करने के लिए सेना डिजाइन ब्यूरो उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? किसको? मेजर अनूप मिश्रा को। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य शहर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया? किसमें दोस्तों? लखनऊ में। पांचवें चक्रवात का नाम बताइए जो अरब सागर के ऊपर बन रहा है, कि कौन सा? पवन, तूफान, फाइफोन, फन फोन। स्थानीय नाम उर्सुला ने हाल ही में किस देश में प्रवेश किया दोस्तों? फिलीपींस में। तेलंगाना के किस जिले ने स्वच्छ भारत मिशन के प्रवासी कार्यान्वयन के लिए यूनिसेफ 2019 पुरस्कार जीता है दोस्तों? किस जिले ने दोस्तों? कामारेड्डी जिले ने। तेलंगाना का जिला है दोस्तों। तेलंगाना से रिलेटेड दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट स्टेट जीके हैं, आप इनको भी चेक कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों तो 2020 में तेलंगाना में जो 2020 जो वर्ष मनाया जाएगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला? निरंजन हीरा नंदानी ने। किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में केंद्र द्वारा लॉन्च किए गए सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया? तमिलनाडु ने। सबसे बड़े राज्य शीर्ष तमिलनाडु, सबसे बड़े राज्य सबसे खराब झारखंड, अब इनको भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। भारत की लंबी दूरी तय करने वाली पहली प्रथम CNG बस का अनावरण किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य ने नर पशु डायरेक्टरी शहरी डायरेक्टरी नाम से बैलों का एक व्यापक डेटाबेस जारी किया दोस्तों? किस राज्य ने? मध्य प्रदेश ने। देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट स्टेट जीके हैं, आप इनको भी जरूर चेक कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्थापना दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 23 दिसंबर को। निम्नलिखित में से किसने स्कूलों में सामान और बेहतर शिक्षण माहौल की कवायद जारी रखते हुए विद्यादान 2.0 प्रोग्राम की स्थापना शुरुआत की? CBSE जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने। श्री देवी द इटरनल स्क्रीन गॉडेस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? सत्यार्थ नायक। संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किसे दशक की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया है दोस्तों? किसको? मलाला यूसुफजई को। किस रेलवे स्टेशन को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के लिए फिस्कई द्वारा 5 सितारा रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन के प्रमाण से सम्मानित किया गया दोस्तों? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को। किस राज्य ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला किया है? हरियाणा सरकार ने। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा राज्य नाइट वॉक आयोजित करने वाला जा रहा है दोस्तों? केरल राज्य। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत के किन 2 राज्यों के लिए सिंचाई और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 210 मिलियन डॉलर के ऋण की घोषणा की है दोस्तों? किन 2 राज्यों के लिए? पश्चिम बंगाल और राजस्थान राज्यों के लिए। दॉ चेन जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, एक प्रसिद्ध थे, क्या थे वे? एक लेखक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस संस्थान के योगदान का सम्मान करते हुए डाक टिकट जारी किया दोस्तों? राजस्व खुफिया निदेशालय के योगदान के लिए। भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई हिमदर्शन एक्सप्रेस ट्रेन कालका और किस स्टेशन के बीच चलेगी दोस्तों? कालका और शिमला के बीच में। भारतीय वायुसेना ने प्रतिष्ठित MiG-27 को अंतिम विदाई दे दी है, इसका दूसरा नाम क्या था दोस्तों? बहादुर, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। पॉलिटिक्स ऑफ ओपोर्निज्म पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? RPN सिंह। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है दोस्तों? आयुषी ढोलकिया। किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन क्रिकेट अल्मानेक ने 4 अन्य के साथ दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया दोस्तों? किसको? विराट कोहली को। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर औसत ऋण सीमा कितनी कर दी दोस्तों? 50 लाख। कौन सा कन्वेक्स कन्वेंशन साइबर अपराध पर पहली संधि थी जिसने इंटरनेट और कंप्यूटर अपराध को संबोधित किया दोस्तों? बुडापेस्ट कन्वेंशन। रिजर्व बैंक ने बड़े सरकारी बैंकों को किस
कितने करोड़ रुपए और उससे ऊपर के सभी कर्ज की सूचना सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ एंड इंफॉर्मेशन ऑन लॉर्ड्स क्रेडिट को देने के लिए दिए हैं दोस्तों। कितने करोड़? 5 करोड़ रुपए और उससे ऊपर के कर्ज की सूचना किसको देनी पड़ेगी? CRILC को। मांडू महोत्सव का कौन सा संस्करण मध्य प्रदेश के मांडू में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? कौन सा संस्करण है हमारा पहला? मध्य प्रदेश से रिलेटेड दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट जो कि स्ट्रेटेजी के, आप इनको भी जरूर चेक करेंगे। 2019 CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? अंजुम चोपड़ा को। भारत का पहला लिगाइट आधारित 500 मेगावाट का नेवेली थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया दोस्तों? तमिलनाडु में, जो कि भेल द्वारा स्थापित किया गया है दोस्तों। तमिलनाडु के दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप उनको चेक कर सकते हैं। आदिवासी कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा राज्य युद्ध कक्ष वार रूम स्थापित करेगा? महाराष्ट्र। फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2019 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? अमिताभ बच्चन को। कौन सा देश हाल ही में चक्रवात सराय से प्रभावित हुआ था? कौन सा? फीजी देश। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में उनकी जयंती पर किया गया था दोस्तों? कहां पर? पटना में। रबंग पुल का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला कौन थी, कौन बन गई है दोस्तों? क्रिस्टीना कोच। इंडियन स्टेट बैंक फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है दोस्तों? 21.67%। दुनिया का सबसे बूढ़े गैंडे का नाम बताइए जिसने हाल ही में तंजानिया में मौत हो गई है दोस्तों। किसका नाम क्या था? हाउस था। किस राज्य सरकार ने 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को प्रतिवर्ष इतने रुपए वार्षिक पेंशन देने की घोषणा की है दोस्तों? कितने रुपए? 6,000 रुपए प्रतिवर्ष। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे चुना गया दोस्तों? HK जोशी को। IRCTC की दूसरी निजी तौर पर संचालित तेजस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलेगी? अहमदाबाद और मुंबई के बीच में। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के पद में पर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? बिपिन रावत को, जो कि आर्मी के चीफ थे दोस्तों पहले, अब किस क्या बना दिया गया इनको? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कर्ज न चुका पाने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जब्त की गई संपत्ति की नीलामी के लिए केंद्र सरकार ने किस नए कॉमन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म की लॉन्च किया दोस्तों? ई बी क्रय। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप इनको जरूर रिवाइज कर लीजिए जिससे कि आपको सारी याद हो जाए कि दिसंबर में कौन कौन सी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट थी, जो कि दोस्तों 2020 में आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए दिसंबर जनवरी फरवरी जो भी इनकी करंट अफेयर होगी दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि ये दिसंबर की करंट अफेयर की वीडियो थी कंबाइन, तो ऐसे ही हम जनवरी की भी लेके आएंगे। तो दोस्तों इस चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और दोस्तों इस पे आपको ट्रिक की वीडियो भी मिल जाएगी, आप जाकर प्लेलिस्ट में सभी ट्रिक की जो वीडियो है आप उनको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीमर्स एंड प्लीज काइंडली शेयर इट एंड फॉर मोर ट्रिक सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन दी जनवरी करंट अफेयर वीडियो। थैंक यू सो मच।